24 News, जज्बा सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा में बाइक लूट कर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाश से पुलिस ने लूट की स्प्लेंडर बाइक और घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल समेत दो तमंचे जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। थाना पुलिस को देर रात सूचना मिली कि दो बदमाश बाइक लूटकर भाग रहे हैं। इस सूचना पर दादरी पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी करनी शुरू कर दी। जैसे ही बदमाश ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सिरसा गोल चक्कर से घुमाकर वापस दादरी की तरफ लौटे, तो पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचते बचाते जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली दो बदमाश शाकिर और नाजिम के पैर में लगी और घायल होकर दोनों बदमाश गिर गए। पुलिस ने दौड़कर दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए घायल बदमाशों से पुलिस ने लूट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल समेत घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल और दो तमंचे जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों घायल शाकिर और नाजिम बदमाश हैं, जो कि लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। दोनों बदमाश बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं, जिनको दादरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पे बी अकबरपुर से एक प्रमोद भाटी नामक व्यक्ति थे, जो परी चौक जा रहे थे सिकंदराबाद से। उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को बुलेट सवार बदमाशों ने लूट लिया है। पेरिफेरल रोड पे हमारी टीम पहले से मौजूद थी, इंस्पेक्टर दादरी भी पहले से मौजूद थे। जैसे सूचना मिली सभी लोगों ने घेराबंदी किया ये जा करके, और फिर सिरसा के पास से यू टर्न होकर के फिर वापस आ रहे थे। ट्रकों का जाम लगा दिया गया सड़कों पर। फिर बदमाशों को जब रोका गया, इन्होंने फायर किया। पुलिस पार्टी ने बचाव में फायर किया, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए जनपद हॉस्पिटल भेजा गया है। उनसे लूटी गई बाइक बरामद हुई है। बुलेट मोटरसाइकिल जो इनके पास थी वो भी बरामद हुई है। दो तमंचे कारतूस बरामद हुए थे। इसमें जो शाकिर नाम का अपराधी है वो बहुत ही शातिर अपराधी है। कई लूट से जेल जा चुका है, अभी हाल में ही छूटा है। और भी इसके बारे में पता किया जा रहा है। और ऐसा का सिलसिला जब सिकंदराबाद से आ रहे थे, तभी से इनके पीछे लगे हुए थे। जैसे पेरिफेरल पे ये चढ़े हैं, वैसे इन्होंने लूट की घटना की है। इनसे और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। टाइम 24 न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।